हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं दो माउथ ऑर्गन, ठीक है, एक 24 होल्स का ये ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन और एक 10 होल्स का ये डायटोनिक हारमोनिका या माउथ ऑर्गन, ठीक है, इन दोनों को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। वैसे कंपेयर करना मुश्किल है क्योंकि ये 10 होल्स का है, ये 24 होल्स का है, अलग अलग मॉडल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या एडवांटेज रहता है 24 होल्स का या फिर 10 होल्स का, दोनों में कौन सा आपको खरीदना चाहिए ऐसे बिगिनर्स, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा दोनों के डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए 10 होल्स डायटोनिक हारमोनिका और 24 होल्स ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन के बीच में, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ये 10 होल्स वाले डायटोनिक माउथ ऑर्गन से शुरू करते हैं। ये मेरे पास इस टॉप का माउथ ऑर्गन है, ये मॉडल है 008K, ठीक है, 008K का मॉडल है इस टॉप का, ये सी स्केल में है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स 10 होल्स होते हैं, 10 होल्स का मतलब कि इसमें आपको तीन कंप्लीट ऑक्टेव नहीं मिलेंगे, मतलब लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, तीन ऑक्टेव होता है फ्रेंड्स। तो लोअर ऑक्टेव में भी आप सारे का पद सब आप बजा सकते हैं 24 होल्स माउथ ऑर्गन में, मिडिल में बजाते हैं और ट्रेन और हायर में भी बजा सकते हैं, लेकिन इस माउथ ऑर्गन में क्योंकि 10 होल्स है फ्रेंड्स, तो आप इसमें आपको तीन ऑक्टिव नहीं मिलेगा, आपको दो ऑक्टिव मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिडिल ऑक्टिव मिल जाएगा, हायर ऑक्टिव आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको लोअर जो ऑक्टिव है वहाँ पे कंप्लीट ऑक्टिव नहीं मिलेगा, मतलब लोअर ऑक्टिव में आप सारे गणपधनी सब पूरी अच्छी तरह से नहीं बजा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसका एक लिमिटेशन आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जहाँ आपको लोअर ऑक्टिव, कंप्लीट लोअर ऑक्टिव चाहिए, फुल लोअर ऑक्टिव चाहिए एक नोट निकालने के लिए, तो वो नोट आप इसमें नहीं निकाल पाएंगे, जो कि आपको ये 24 होल्स वाले माउथ ऑर्गन में आपको तीनों ऑक्टिव मिलते हैं। 1 से 8 में आपको लोअर ऑक्टिव मिल जाता है, 9 से लेकर 16 में आपको, 16 में आपको मिडिल ऑक्टिव मिल जाता है, और 17 से लेकर 24 में आपको हायर ऑक्टिव मिल जाता है। तो इसमें आपको तीनों ऑक्टिव में मिल जाता है, सारे गा पद्धति से आप तीनों ऑक्टिव में बजा सकते हैं, सब नोट इसमें मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, कोमल और तीव्र जो स्वर है, शार्प नोट्स या फिर फ्लैट नोट्स, वो नहीं मिलते हैं, वो आपको स्केल चेंजर में मिलते हैं, वो लीवर वाले या स्लाइडर वाले माउथ में मिलते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे आप एक गाना बजाना चाहते हैं, है अपना दिल तो आवारा, ठीक है, देखिए इसमें अगर आप बजाना चाहें, है अपना दिल निकला, ये आवारा, देखिए आवारा मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि आवारा के लिए मुझे और बाएं तरफ आना है, देखिए, लेकिन और बाएं तरफ आने का मेरे पास स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ पे होल्स खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो है अपना दिल सही निकला, आवारा, देखिए आवारा मैं इसमें नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि वो नोट्स निकालने का इसमें वह बॉक्सेस नहीं है, होल्स नहीं है, ठीक है, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन ये देखिए 24 होल्स माउथ ऑर्गन में मैं निकाल पाऊंगा, आवारा, क्योंकि देखिए मैं और बाएं तरफ आ पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी इतने होल्स हैं, ठीक है, तो वो नोट मुझे मिल जा रहा है, तो देखिए मैं अपना दिल इसमें पूरी अच्छी तरह से बजा सका, लेकिन इसमें आवारा नहीं बजा पा रहा हूँ, जाने किस में भी नहीं बजा पा रहा हूँ, देखिए तो नहीं बज पाया, अच्छी तरह से नहीं बज पाया, मैं पहले लाइन का लास्ट पार्ट नहीं बजा पा रहा हूँ, सेकंड लाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं बजा पा रहा हूँ इसमें। तो ये फ्रेंड इसका लिमिटेशन है। आप बॉलीवुड सॉन्ग्स जो हिंदी सॉन्ग्स होते हैं उसमें अगर वो गाने अगर आप बजाना चाहेंगे 10 होल्स माउथ ऑर्गन में, तो वो इसमें नहीं बज पाएगा। इसमें ब्लूज अच्छी तरह से बजते हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक में आता है फ्रेंड्स, वेस्टर्न म्यूजिक इसमें आप बहुत अच्छी तरह से बजा पाएंगे, इसमें आप इंटरल्यूड म्यूजिक कुछ कुछ निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप गाना बजाना चाहते हैं, आप कोई गाने का कवर बजाना चाहते हैं, तो ये 10 होल्स माउथ ऑर्गन में फ्रेंड्स नहीं होता है। इसलिए मैं फ्रेंड्स सजेस्ट करता हूँ बिगनर्स को कि अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग सीखना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो आप 24 होल्स वाला माउथ ऑर्गन लें, आप ये 10 होल्स वाला माउथ ऑर्गन मत लें, ठीक है। कहने का ये मतलब कि ये क्या, तो क्या अच्छा 10 होल्स का माउथ ऑर्गन की अच्छी माउथ ऑर्गन नहीं होती, नहीं, ये भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन होता है, लेकिन अलग अलग टेस्ट के लिए, अगर आपका टेस्ट अलग है तो टेस्ट, अगर मतलब अलग मतलब अगर आपका बॉलीवुड सॉन्ग्स टेस्ट है तो आप ये लीजिए, अगर आपका वेस्टर्न म्यूजिक टेस्ट है तो आप ये लीजिए, ठीक है, तो अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो ये था फ्रेंड्स, आपको दोनों माउथ ऑर्गन के बारे में मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, ये माउथ ऑर्गन मुझे
1200 में मिला था फ्रेंड्स, ये डायटोनिक हारमोनिका इस टॉप का, और ये स्वान कंपनी का, ये मुझे 900 में मिला था। तो प्राइस मैंने बता दिया दोनों का 900 और 1200। इस टॉप कंपनी का ये फ्रेंड्स डायटोनिक हारमोनिका बहुत, अगर आप 10 होल्स माउथ ऑर्गन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका साउंड बहुत ही अच्छा है, लेकिन वही लिमिटेशन है फ्रेंड्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स अगर आप बजाना चाहेंगे तो नहीं बज पाएगा। हाँ, एक एक मेथड है फ्रेंड्स, बेंडिंग करके आप इसमें भी वो नोट्स निकाल सकते हैं जो 24 होल्स के माउथ में मिलता है, लेकिन वो बेंडिंग फ्रेंड्स वो बहुत ही एडवांस टेक्निक है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए, और इतना ईजी निकालना नहीं होता है, ठीक है। बिगनर्स के लिए तो असंभव है, जो बहुत एडवांस प्लेयर्स होते हैं वो कुछ मेथड टंग ब्लॉकिंग करके, पकड़िंग करके, वो सब मेथड करके निकालते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट मेथड है। तो अगर आसानी से आप बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाना चाहते हैं, साउंड निकालना चाहते हैं, नोट्स निकालना चाहते हैं, तो आपको 24 होल्स लेना है, आपको 10 होल्स वाला डायटोनिक नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो मैं लेसन बनाता रहूँ आप तक पहुँचता रहे, आप अच्छे माउथ ऑर्गन प्लेयर बने, खुश रहें। टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।